नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अफगानिस्तान मामले में सर्वदलीय बैठक, 31 दलों ने बैठक में लिया हिस्सा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताई सरकार की रणनीति, कहा अफगानिस्तान में फंसे सभी लोगों को निकाला जाएगा बाहर। अफगानिस्तान के मुद्दे पर 3 घंटे से ज्यादा चली सर्वदलीय बैठक, बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, अपने लोगों को निकालने में जुटी सरकार, कहा अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अलर्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को किया सावधान, चीन ने बनाए तालिबान से कूटनीतिक संबंध। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर सीबीआई की जांच तेज, कोलकाता पुलिस से सीबीआई ने की पूछताछ, कई की गिरफ्तारी। मिशन पंजाब पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी में शामिल, केजरीवाल बोले पार्टी के मिशन को मिलेगी मजबूती। शायर मुनव्वर राणा के बेटे को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुनव्वर राणा का बयान, मेरे हाल के बयानों को लेकर हुई कार्रवाई, बेटे पर है हमले की साजिश रचने का आरोप। देश में नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर, वेब दुनिया से खास बातचीत में बोले आईसीएमआर के पूर्व साइंटिस्ट रमन गंगाखेड़कर, का भारत में कोरोना संक्रमण अब एंडेमिक स्टेज पर। कोरोना वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश ने बनाया नया रिकॉर्ड, 2 दिन में 35 लाख से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन, मुख्यमंत्री शिवराज ने रतलाम और इंदौर में वैक्सीनेशन सेंटर पर किया दौरा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा केरल में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 10,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस, कोरोना के 51% मामले केरल से आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा भारत में पिछले 24 घंटे में आए 46,000 नए केस, इसमें से 58% मामले अकेले केरल से, अन्य राज्यों में आ रही है कोरोना केसेस में गिरावट। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने ड्रोन को लेकर बनाए हैं 6 नियम, हर आकार के ड्रोन का करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, ड्रोन मालिकों को देना होगी आधार और पासपोर्ट की जानकारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर पहुंचे पंजाब, कहा हम ऐसा पंजाब बनाए जहां सुख शांति हो, सभी बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिले, अच्छा इलाज मिले, बोले हमने दिल्ली में भी अच्छी सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा सरकार लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जल्द करवाना चाहती है चुनाव, यहां पंचायतों के चुनाव कराया है ताकि सत्ता की सबसे निचली इकाइयों का विकेंद्रीकरण किया जाए। साउथ वेस्ट दिल्ली के अतिरिक्त डीसीपी अमित गोयल ने कहा जेएनयू के हॉस्टल में महिला ने की खुदकुशी, महिला की 3-4 महीने पहले शादी हुई थी, वह पति के साथ हॉस्टल में रहती थी, बुधवार रात को पड़ा था मिर्गी का दौरा। नारायण राणे के बयान पर संजय राउत की चुप्पी, कहा कैबिनेट का एक मंत्री सरकार नहीं होता, कोई भी सरकार के बारे में बात करता है तो वह ठीक नहीं है और हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। अमृतसर समेत देश के कई गुरुद्वारों में शुक्राना अरदास, अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप भारत वापस लाए जाने के चलते की गई शुक्राना अरदास। सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना के सितंबर 2027 में पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनने का मार्ग प्रशस्त। तेलंगाना में 1 सितंबर से खुलने जा रहे स्कूल, शिक्षक स्कूल खुलने को लेकर उत्सुक, कोविड को ध्यान में रखते हुए स्कूल में चल रहा है सैनिटाइजेशन और अन्य तैयारियां। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के हुए चेहरे कल सिनेमाघरों में होगी रिलीज, रूबी जाफरी है फिल्म के निर्देशक। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम ने 7 दिनों में किया 17.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन, कोरोना महामारी के चलते फिल्म का कलेक्शन बुरी तरह हुआ प्रभावित। फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।